हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर का कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे और आत्मसात करेंगे। आप घर बैठे लाभान्वित होंगे। इस लॉकडाउन अवधि में आप घर पर भी मेहनत करें और कुछ कोर्स को आगे बढ़ाएं। तो और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप बकायदा इस वीडियो को देखकर अपने किताबों के माध्यम से नोट्स भी तैयार करें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा मोशन के बारे में, मोशन होता क्या है, ठीक है। और मोशन से पहले एक इससे जुड़ी हुई कड़ी है, रेस्ट। रेस्ट तो रेस्ट कहेंगे किसको? सबसे पहले हम बोलचाल की भाषा में जान लें कि रेस्ट होता क्या है। अगर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिसमें मूवमेंट ना हो, मोशन ना हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे। दूसरी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रिफरेंस पॉइंट होता है। रिफरेंस पॉइंट कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु कहीं भी अवस्थित रखा होता है, स्थित होता है, तो इस कड़ी में उसका वो रिफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो चलते हैं डेफिनेशन के माध्यम से, हम समझेंगे कि रेस्ट होता क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस पॉइंट। अर्थात कोई भी बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे। कब? जब वो अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को ना चेंज करे, तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी आपका रेस्ट में है। हम उदाहरण लेते हैं कि अगर हमारा घर जहाँ पर स्थित है तो वो रेस्ट में है। कैसे रेस्ट में है? उसका जो जगह है वो बदलता नहीं है, वो जहाँ है वहीं अवस्थित ही रहेगा, अर्थात वो रेस्ट में, ठीक है। अब इस कड़ी में हम अगला टॉपिक बताना चाहेंगे, मोशन। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अर्थात वैसा बॉडी जो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं नीचे बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये आपको दिख रहा होगा ए लिखा है, ये एक घर है और एक लड़का अपने घर से निकला और वो बी बिंदु पे चला गया, बी से वो सी पे चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये घर है वो पोजीशन ए पे स्थित है और इस लड़के के लिए ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम देखते हैं तो इस लड़के का पोजीशन समय के साथ बदल रहा है। ए में, ए के पास उसका घर स्थित है, समय बीता, वो चलकर बी में गया, बी पॉइंट पे गया और सी में, फिर वो इस प्रकार से सी तक चला गया। अर्थात रेफरेंस पॉइंट से
पोजीशन बी पोजीशन सी पर गया, तो ये अपने रेफरेंस पॉइंट से अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बच्चा रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। कंक्लूजन ये है कि ये बच्चा मूवमेंट में मोशन में। तो इस कड़ी में एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा मूविंग कार, आप देखते होंगे कि जो कारें सड़क पर चलती है वो एक जगह से दूसरी जगह और इस प्रकार से बढ़ती रहती है। तो मूविंग कार जो है सो मोशन का एक एग्जांपल हुआ। फिर मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि घड़ी की जो पेंडुलम होती है वो हमेशा मोशन में रहती है, एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर से पहले छोर, पहले छोर से दूसरे छोर, इस प्रकार से वो अपने गति को बरकरार रहती है। तो ये भी एग्जांपल हुआ कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम। फिर आगे चलेंगे तो मोशन ऑफ अ फ्लाइंग मॉस्किटो, आप देखें जो मच्छर मॉस्किटो फ्लाई करते रहता है तो वो भी अपना जगह को बदलते रहता है, अपनी पोजीशन को बदलते रहता है। इसमें एक और भी है मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जब हम लोग पंखा को चलाते हैं, सीलिंग फैन को चलाते हैं या टेबल फैन को चलाते हैं तो हमेशा वो ब्लेड जो है सो अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है, अर्थात वो मोशन में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मोशन समझ गए होंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने नोट में लिखा है कि मोशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे सर ये वेक्टर होता क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी दो होते हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, अर्थात वैसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी भी कपड़े को नापते हैं, किसी भी कपड़े को मापते हैं तो कपड़े को मापे तो हमको ये पता चला कि वो कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर है। ठीक है, तो हम एक क्वांटिटी मिला, एक डिजिट मिला, सिर्फ डिजिट मिला, और कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ही नहीं। हम मेज़रमेंट किए, उसकी मापी किए तो सिर्फ हमको मिला कि ये 5 मीटर है, तो एक डिजिट मिला मीन्स मैग्नीट्यूड वही हुआ 5 मीटर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एग्जांपल और भी प्रस्तुत करना चाहेंगे, मास। अगर हम बनिए की दुकान पे जाते हैं या किसी भी दुकान पे जाते हैं और हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे चावल है, गेहूं है, आटा है वगैरह वगैरह, तो हम कहते हैं कि हमको 5 केजी आप आटा दे दीजिए, तो ये 5 मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, अब है समय टाइम। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कि कितना समय हो रहा भाई, तो आप कहते हैं 5 बजा है, 5:30 हुए हैं, तो ये डिजिट है अर्थात सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर आपसे कोई पूछे कि आज का टेम्परेचर कितना है तो आप बताएंगे कि 41 डिग्री सेल्सियस है या जो भी है, तो ये सारी बातें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एट्सेट्रा, ये सभी मैग्नीट्यूड को दर्शाते हैं, अर्थात ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम इसको कैसे दिखाते हैं। तो अगर लेंथ है
तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये एल है, अगर मास है तो एम है, अगर टाइम है तो टी है। अभी घबराना नहीं है, ये एल एम टी का पूरा पूरा कथन को आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो दोज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अर्थात वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिशा दोनों हो, तो हम उस प्रकार की क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है और इसके कौन से एग्जांपल हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो बना हुआ है ये एक घर है, ये क्या है, एक घर है, और इस घर में क्या है कि दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा लगा हुआ है, तो ये दरवाजा लगा हुआ है और इसमें एक जो इसका पैंडल है, तो पैंडल को